आगे बढ़ते हुए खबर वो जिसका सीधा असर पड़ता है आपकी जेब पर। जानते हैं जेब पर, जेब से लेकर के ये लड़ाई आज की तारीख में संसद तक कैसे आ गई है। चार तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जनता का तेल है और टैक्स का खेल है। टैक्स के खेल में इंडिया न्यूज एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है कि टैक्स के खेल के साथ साथ पेट्रोल डीजल का अर्थशास्त्र आखिरकार कहता क्या है। ये सियासी लड़ाई भी है, महंगाई पर आ गई है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में इसकी गूंज नजर भी आ रही है। संसद में संग्राम है, महंगाई पर घमासान है और पेट्रोल डीजल पर अगर जीएसटी लग जाए तो कहां यह जा रहा है कि लगभग 20 से 30 रुपए तक पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हो सकती है। लेकिन बड़ा फैसला लेने में आखिरकार विल पावर यानी इच्छा शक्ति में कमी किसके है, यह सबसे बड़ा सवाल है। आगे बढ़ें, उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज। महंगाई पर संसद में विपक्ष ने कर दिया हंगामा। दो बार स्थगित हुई आज लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई। महंगाई को लेकर विपक्ष ने नारेबाजी भी की। महंगाई पर चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा है। अब दोपहर 2 बजे कार्रवाई दोबारा से शुरू होगी। इंडिया न्यूज संवाददाता ब्रिजेश पांडे ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त विजय चौक से लाइव जुड़े हैं। ब्रिजेश, दो बार संसद की कार्रवाई स्थगित हुई है, दोपहर 2 बजे दोबारा से, क्या ये लगता है कि सुचारू तरीके से चलेगी या फिर हंगामा भी बढ़ने के आसार हैं? देखिए, विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस मुद्दे पर सरकार को घेरना नहीं छोड़ेगी। कल भी कई बार संसद को स्थगित करना पड़ा। सरकार का कहना था वो इन मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जब बजट को लेकर स्पेसिफिक पॉइंट्स पे चर्चा हो उस दौरान विपक्ष इन मुद्दों को उठा सकता है। विपक्ष का कहना है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसका सीधा असर जनता की जेब पे जाता है, इसलिए वो सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव लाकर इसी मुद्दे पर डिस्कशन करना चाहते हैं और इसी के चलते आज भी दो बार लोकसभा स्थगित हुई है। तो इससे साफ संदेश है कि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को कोई राहत नहीं देने के मूड में है। ठीक है ब्रिजेश, आप रहे मेरे साथ में। एक बार इंफोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। सीधे हमें वर्चुअल इंफोग्राफिक स्टूडियो चलना चाहिए जहां पर हम ये दिखाएंगे कि 7 साल में सिलेंडर की कीमत दोगुनी कैसे हो गई है, डीजल पेट्रोल पर टैक्स कलेक्शन 459% कैसे बढ़ा है। अब आप ये देखें क्या हुआ ना, 2014 से लेकर के 2021 तक हमारी रिसर्च टीम ने एक पूरा डेटा एनालिसिस किया। हमें क्या मिला ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पिछले 7 साल में गैस सिलेंडर, आपके रसोई गैस का जो सिलेंडर है ना, कीमत दोगुनी होकर आज की तारीख में 819 रुपए है। मैं ये बात कर रहा हूं जो 14.25 किलो वाला जो रसोई गैस का सिलेंडर होता है। 1 मार्च 2014 को 14.25 किलो के सिलेंडर कीमत थी 410.50 रुपए, आज है 819 रुपए। डीजल पेट्रोल पर टैक्स कलेक्शन में पिछले 7 साल में 459% की बढ़ोतरी हुई है। केरोसिन ऑयल मार्च 2014 में 14.96 रुपए था, आज की तारीख में इसकी कीमत है 35.35 रुपए। पेट्रोलियम मंत्री ने यह बात लोकसभा में सवाल के लिखित जवाब में कही है और दिसंबर 2020 में रसोई गैस की कीमत 594 रुपए थी जो अब बढ़ करके हो गई 819 रुपए और यही एक वजह है कि महंगाई पर जम करके महाभारत मची है। अब एक अर्थशास्त्री कहते हैं भाई आप जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लेकर के आते, क्यों आम आदमी की जो किस्मत है या आम आदमी का की जो जेब है आपने क्यों तेल कंपनियों के हवाले कर दी है, ये कई अर्थशास्त्री कहते हैं। तो सरकार में अंदर ही अंदर एक मंथन ये भी चल रहा है कि क्यों ना जीएसटी के दायरे में लेकर के आ जाएं। अब जीएसटी के दायरे में अगर पेट्रोल डीजल लाए गए तो क्या परिवर्तन होगा, आपकी जेब पर असर क्या होगा? बहुत आसान शब्दों में आप समझें, पहली चीज 10 से 30 रुपए तक पेट्रोल और डीजल की कीमत घट सकती है अगर जीएसटी के दायरे में आ गए। सरकारों से मेरा मतलब है केंद्र से लेकर के मैं राज्य सरकारों की बात कर रहा हूं, 1,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा यानी जीडीपी का महज 0.4%। कच्चा तेल $1 बढ़ने पर पेट्रोल 50 पैसे और डीजल 1.5 रुपए तक महंगा हो जाएगा। 19 राज्यों को नुकसान होगा, महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा 10,424 करोड़ का नुकसान होगा, 11 राज्यों को फायदा पहुंचेगा और यूपी को सबसे ज्यादा 2,419 करोड़ का लाभ पहुंचेगा अगर जीएसटी के दायरे में आ जाता है तो। अब यह कहा जा रहा है ना कि तेल कंपनियों ने बड़ा खेल किया है, कैसे किया है, सीएजी रिपोर्ट हमने निकाली और हमने पूरा डेटा एनालिसिस किया। ये एनालिसिस क्या कहता है अब आप ये देखें, तेल कंपनियां ओवरचार्जिंग कर रही हैं ये सीएजी का कहना है, तेल कंपनियों की तैयारी अधूरी है, सिर्फ 80% आउटलेट ऑटोमेटिक हो पाए हैं और कीमतें बदलने में किसी भी तरह की मुस्तैदी दिखाई नहीं जाती। ये असल में तेल का खेल है जो कंपनियां कर रही हैं। लेकिन टैक्स से सरकार की कमाई होती कितनी है, पिछले 7 साल में कितनी कमाई हुई है, हमने फाइनेंशियल ईयर का एक पूरा डेटा इकट्ठा किया। जानते हैं 2013-14 में टैक्स से कमाई हुई, मैं करोड़ में बात कर रहा हूं, 77,982 करोड़ रुपए, 2014-15 में 99,068 करोड़ रुपए, 2015-16 में 1,78,477 करोड़, 2016-17 में बढ़ता चला गया, 2017-18 में और भी ज्यादा कमाई बढ़ती चली गई और कमाई बढ़ करके आज की तारीख में 2019-20 का जब मैं आंकड़ा देखता हूं ना तो 2,23,057 करोड़ रहा और कोरोना काल में भी
ये टैक्स की कमाई कम नहीं हुई, 1,31,545 करोड़ के आसपास ये कमाई तब भी टिकी रही। लेकिन महंगाई पर महाभारत होने के बाद क्या कहना है अधीर रंजन चौधरी का, क्या कहना है अधीर रंजन चौधरी का, ये शायद हमें दिखाना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जब महंगाई पर संसद के अंदर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही थी, उस वक्त सरकार की तरफ से जवाब क्या आया, एक बार सुने आप।